Assalamu alaikum. Hello guys, so welcome back to our YouTube channel UF Reaction. This is Usama. This is Marja. This is Umar. So guys, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, एकदम फिर से एक मजेदार किस्म की वीडियो लेके हम तीनों ही आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि ओडिशा इंडस्ट्री के बारे में हम लोग काफी जान रहे हैं, उस पर काफी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, उनके ट्रेलर्स पे, उनकी वीडियोस जो है जितनी भी होती है हम उस पर बना रहे हैं। जैसे जैसे लोग हमें बता रहे हैं कि आप इस पर बनाए, नई नई अपडेट्स आ रही है हम उस पर करें। आज की जो वीडियो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम पब्लिक रिव्यू देखने के लिए जा रहे हैं। तो जानते हैं कि आज की वीडियो कैसी हो सकती है, तो उमर भाई बताएंगे आज का टाइटल। बिल्कुल, आज का जो टाइटल आप सबने पढ़ लिया होगा, टाइटल है व्हाट डू गर्ल्स थिंक अबाउट ओडिशा, और ओडिशा के बारे में हम भी ज्यादा नहीं जानते, तो इससे हमें भी पता चलेगा ओडिशा के बारे में, जो भी क्वेश्चनिंग होगी उससे रिलेटेड जो चीजें हमें भी पता चलेंगी। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग और अच्छा वीडियो है, बिल्कुल मजा आएगा ये वीडियो देखने का। तो इस वीडियो को पहले देख लेते हैं, बड़ा मजे का होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमें भी जो है वो साथ साथ पता चलेगा ओडिशा के बारे में, क्योंकि हम ओडिशा की मूवीज पे जो है वो रिएक्शन कर रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और हमें अब बहुत ज्यादा वो एक्साइटमेंट है कि हम मजीद कुछ जो है ना इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस चैनल का नेम मुझे नहीं इसलिए पता है क्योंकि वो हिंदी में लिखा हुआ है, तो वो हिंदी नहीं हमें आती, लेकिन इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चैनल को लाइक फॉलो करें, शेयर करें। बिल्कुल, तो वीडियो देख लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें, ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो, स्टे विद अस, हैव वी गो। जब मैं आपके सामने बोलती हूँ ओडिशा, तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या? नाम सुनते ही यही पता लगता है कि नॉर्थ ईस्ट का है, यहाँ के लोग होते हैं वो काफी वो होते हैं, मतलब शांत होते हैं और काफी अच्छे से बातें करते हैं यहाँ के लोग। तो ओडिशा के लोग, लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, कैसे होते होंगे वहाँ? अच्छे होंगे, मेरे को पता नहीं है ना कुछ, अच्छे ही होंगे, बहुत अच्छे होंगे ओडिशा के लोग। अच्छा, ओडिशा का नाम पहले क्या था? पता नहीं बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपको मौका मिला तो आप कभी भी किसी ओडिशा के लड़के को डेट करना पसंद करो? बिल्कुल नहीं। क्यों? बस नहीं करना। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं ओडिशा या वेस्ट बंगाल, तो आप वहाँ पर कौन से, कहाँ के लड़कों को पटाना पसंद करोगे? मैं बंगाल के, वेस्ट बंगाल। और ओडिशा और झारखंड में से? झारखंड। क्यों क्यों? मेरे दोस्त रह चुके हैं, तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। झारखंड में से ज़्यादा वोट पे चल रहा है। ओडिशा में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा में बात करते हैं? ओडिशा में मैं पता नहीं, ओडिया लैंग्वेज है, दिल्ली में हिंदी, तो वहाँ भी हिंदी है। हिंदी में शायद हिंदी इंग्लिश तो होती है, लेकिन और उनकी जो मेन मेन जो उनकी स्टेट की जो लैंग्वेज है। ओडिशा में एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर है, या कोई भी फ्रीडम फाइटर का आप नाम बता सकते हो जो ओडिशा से? पता नहीं। और बोस है, हाँ शिवाजी का बोस, वही याद आ रहा था, शिवाजी। हाँ, ये मूवी का नाम है, पता है मेरे को मूवी का नाम है, दिमाग में यही आ रहा था मैंने, बोस एंड में बोस। तो आज हम लड़के से जाके कुछ सवाल पूछने वाले हैं ओडिशा के बारे में, और देखते हैं उनकी क्या राय है ओडिशा और ओडिशा के लड़कों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं ओडिशा के बारे में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जब मैं आपके सामने बोलती हूँ ओडिशा, तो सबसे पहली चीज़ आप मेरी एक फ्रेंड है ओडिशा से, वो और उसका कल्चर। अच्छा, मतलब कोई ना कोई है ओडिशा से, वो याद आता है। नाम सुनते ही यही पता लगता है कि नॉर्थ ईस्ट का है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी वो होते हैं, मतलब शांत होते हैं और काफ़ी अच्छे से बातें करते हैं यहाँ के लोग। अच्छा, ओडिशा का नाम पहले क्या था? नहीं, मुझे नहीं पता। कटक? नहीं, ओडिशा था या ओडिशा था? ओडिशा था, मतलब अभी स्पेलिंग में, हाँ स्पेलिंग में बस चेंज आया आई थिंक। उसके पहले मुझे क्या थी स्पेलिंग? पहले ओ आर आई डबल एस ए था, अब ओ आई एस ए, ओडिशा था पहले। क्यों ऐसे चेंज करा? नो क्लू। अच्छा, आपके हिसाब से क्यों किया? आई हैव नो क्लू, लेम आंसर जरा ना। लेम आंसर, लेम भी नहीं आ रहा है अभी। नहीं, आई डोंट हैव अ क्लू। तो ओडिशा के लोग आपके हिसाब से कैसे होते हैं? मेरी एक फ्रेंड है, वो उड़ीसा से है, शी इज़ नाइस, काफ़ी अच्छे है। मेरी फ्रेंड नेबर बहुत अच्छी थी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लड़के कैसे लगते हैं? कुछ नहीं पता मुझे उनके बारे में, लड़की के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उनकी छोटी बेटी थी। अगर आपको कभी मौका मिला, तो आप कभी किसी ओडिशा के लड़के को पटाओगे? नहीं। क्यों?
अभी तक तो कभी ऐसा सोचा नहीं है यार. डजंट मैटर किसी भी स्टेट के हो, नेचर अच्छा होना चाहिए, नेचर अच्छा होना चाहिए, दैट इज व्हाट मैटर्स. अगर ओडिशा से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं 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 कोई नेचर अच्छा होना चाहिए, दैट इज इट. नो कोई लोकेशन से मतलब नहीं है. और अगर मैं आपको ऑप्शन दूं ओडिशा या फिर वेस्ट बंगाल, तब आप कहाँ के लड़कों को डेट? ओडिशा. ओडिशा क्यों? बंगाल. आई डोंट लाइक बंगाली, सॉरी. वेस्ट बंगाल. क्यों? आई थिंक neither Odisha nor West Bengal. कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. और Odisha और झारखंड में? Odisha. ये क्यों? ऐसे झारखंड में थोड़ा ऐसे होते हैं ना. कैसे होते? गुटखा खाने वाले. मैं बिहार से हूँ, गुजराती हूँ पर बिहार से हूँ, तो थोड़ा झारखंड बिहार चल जाता है तो झारखंड सही जाऊँगी. Odisha की कैपिटल पता है? It's Puri. Puri is capital of Odisha. Puri क्या कैपिटल Odisha की? हाँ जी. Odisha की कैपिटल? No. कोई आइडिया नहीं है. पता नहीं मुझे. नहीं यार, एसएसटी वीक है. भुवनेश्वर. अरे हाई फाइव. बिल्कुल टॉपर लोग. अगर आप कभी ओडिशा गए तो आप वहाँ पर घूमने के लिए जाना पसंद करोगे या फिर वहाँ पर आप घूम के आ जाओगे वापस या फिर रहने के लिए भी पसंद करोगे? रहने के लिए भी पसंद करो. वहाँ पर आप चाहोगे कि आपका घर हो, आप रहो वहाँ पर, घूमना फिरना. और वहाँ पर आप ऐसी चीज क्या खाओगे? जब भी अच्छा फेमस हो वहाँ पे ना. नहीं पता आपको वहाँ? नहीं. अगर आप कभी ओडिशा गए तो आप वहाँ क्या खाना पसंद? वहाँ का जो फेमस होगा, जो सब स्टेपल जो होगा, जो परफेक्टली जैसे बिहार का आप बोलो तो लिट्टी चोखा मिलता है, राइट? वैसे ही अगर ओडिशा है तो उसका जो एक फेमस होगा या दो फेमस होंगे वो मैं खाना. बेसिकली स्ट्रीट फूड. यस, स्ट्रीट फूड, मोस्टली स्ट्रीट फूड. हाँ, मुझे पता है एक डिश है समथिंग कॉल्ड चावल को पानी में डाल के खाते हैं, लाइक आप ओवरनाइट सोक करो नमक डाल के एंड देन उसको नेक्स्ट डे सुबह खाते हैं. अच्छा, ऐसा कुछ. हाँ, ऐसा एक डिश है. कुछ तो भी बोलते हैं, कोई तो भी भात है वो. इन उड़ीसा दे यूज टू से राइस एज अ भात. उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़ीसी बोली जाती है. आई गेस आई एम नॉट श्योर. उड़ीसी. उड़ीसी या कुछ और? उड़ीसा में आई डोंट नो. क्या लगता है क्या बोलते? हिंदी बोलते हैं? हाँ, इंग्लिश बोलते हूँ. और इंग्लिश बोलते होंगे. ऑफिशियल लैंग्वेज कौन? ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश. उड़िया. उड़िया. उड़िया कभी सुना? उड़िया सुना है. आप वहाँ का कोई फेमस सिटीज या कोई जगह का नाम बता सकते हो? उड़ीसा. उड़ीसा में पुरी, भुवनेश्वर, राइट? यू हैव भुवनेश्वर तो ठीक है, दैट वाज नोन, बट बाकी भी है. ठीक है, वहाँ पे टेम्पल्स हैं. टेम्पल्स हैं वहाँ पे काफी. कोई नाम बता सकते फेमस? नहीं. टेम्पल वहाँ पर ऐसी जगह है कटक पुरी, ये सब आपने सुना होगा? नहीं सुना. मैंने डांस फॉर्म सुने ऐसे सिमिलर ऐसे. कथक है वो. हाँ हाँ, कथक है वो. आपको पता है कि उड़ीसा में एक बहुत फेमस डांस फॉर्म है, उसका नाम क्या है? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा. इट्स कथक. नो. ओडिसी. ओडिसी सुना होगा आपने? ओडिसी. हाँ, ओडिसी का नाम सुना है कभी? नो, नहीं सुना. तो ओडिसी एक डांस फॉर्म है जो वहाँ पर परफॉर्म होता है. ओके, आप मुझे ओडिसा के कुछ फ्रीडम फाइटर के नाम बता सकते हो? पता नहीं मुझे. रविंद्रनाथ टैगोर. क्या? रविंद्रनाथ टैगोर ओडिसा से? नहीं. फेमस है वैसे बहुत. यार हिस्ट्री बहुत ही बेकार है, मत पूछो, बेटर होगा. कोई भी फ्रीडम फाइटर का आप नाम बता सकते हो जो उड़ीसा से? विनोबा भावे. नो. उड़ीसा से? उड़ीसा में कहाँ से? नहीं पता. फेमस फ्रीडम फाइटर या कोई भी फ्रीडम फाइटर? नहीं, इतना तो नहीं. अच्छा, ये बहुत आसान है. उनका नाम एस से शुरू होता है. चलो तुक्का. एस से शुरू होता है. पता नहीं. और बोस है. हाँ, शिवाजी का बोस. वही याद आ रहा था मैं. शिवाजी. हाँ, ये मूवी है. ये मूवी का नाम है. पता है मेरे को मूवी का नाम है? दिमाग में यही आ रहा था. मैंने कहा बोस एंड में बोस. सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा से. सुभाष चंद्र बोस. आप मुझे पता है? आप मुझे बता सकते हो उड़ीसा में वो कहाँ से? गैस तुक्का लगा. भुवनेश्वर. भुवनेश्वर, क्योंकि वही पता है. मुझे ये नहीं पता था कि वो ओडिशा से, वो कहाँ से. तो और तुक्का लगा. अच्छा, तुक्का लगा रहे हैं, पता किसी को नहीं है. कटक पुरी
कटक भुवनेश्वर से ही थे क्या? पहले से ही बोल रहे थे कटक. ओके ओके हाई फाइव. कथा पर कटक. नाइस नाइस. नो आइडिया. कटक. अच्छा वो कटक से. कटक का नाम आपने? कटक. यस यस. तो एक प्यारा सा मैसेज दे दो जो ओडिशा से ये वीडियो देख रहा है. जो उड़ीसा से वीडियो देख रहा है उड़ीसा के लोगों उड़ीसा के लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि वहाँ आके घूमना चाहूँगी वहाँ पे और उनकी जो लैंग्वेज है वो भी सीखना चाहूँगी. उड़ीसा के लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे रहना और मैं आना पसंद करूँगी और जानूंगी जानूंगी और घूमूंगी भी और रुक के भी आऊँगी. ओके जी फाइनली उड़ीसा के लोग वाकई बहुत अच्छे हैं और ये हमें भी इसलिए पता चला कि आप सबने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मज़ा आता है आपकी वीडियोस देखने का और उड़ीसा के बारे में जानने का जो है हमें ऐसा पता चल रहा है यार कि मतलब उड़ीसा में क्या क्या होता है और उसकी स्टेट्स में कौन कौन से सिटीज हैं स्पेशली और वहाँ का स्पेशल फूड कौन सा है. लैंग्वेज का तो हमें पता चल गया और हमें नई चीज़ पता चली कि इसमें जो उड़ीसा का जो पुराना नेम था वो उड़ीसा था. उड़ीसा था तो ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम पता चला है. अभी ये है कि उमर भी इनकी सिटीज के बारे में भी रिएक्शन करेंगे पता चलता है कि मजा आ रहा है यार कितनी खूबसूरत होंगी. बड़ा मजा आएगा बिल्कुल. और उसके अलावा फ्रीडम फाइटर के बारे में बात कर रहे थे वो कौन है वो ऐसे नाम जो ले रहे थे बिल्कुल और वो बोले मतलब वो कौन है वो आप भी हमें बताइएगा. उनके बारे में भी हमें नहीं पता और लेकिन ये है कि लोगों के बड़े मजे मजे के आंसर थे और जो जो क्वेश्चन किए बड़े उन्होंने बड़े अच्छे आंसर जवाब दिए और मजा आया. इसके अलावा भी कोई मतलब कोई न्यू चीज जैसे कि फूड क्या है वहाँ का वो फूड का बताया भी था उन्होंने. पर उन्होंने बोला कि वो चावल को रात में पानी में भिगो के उसको पता नहीं क्या कहा क्या नाम उनका उसका लिया था डिश का लेकिन कोई इस तरह की कोई डिश बताई थी. और आप हमें बताइएगा वहाँ का जो फेवरेट फूड है वो कौन सा है और वहाँ की फेमस जगह कौन सी है. तो ये थी गाइज आज की वीडियो. उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें. मिलते हैं नए वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.